मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले प्रवासी मजदूर पैदल ही मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो गए। इन मजदूरों के पास खाने पीने का सामान तक नहीं है। लॉकडाउन के दौरान काम धंधा भी छिन गया। दिल्ली से मोहितराज दुबे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना से देश का बुरा हाल है, लेकिन सबसे बुरी हालत मजदूरों की है, प्रवासी मजदूरों की है। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए मजदूर यहाँ पे हमको रास्ते में मिले हैं। मध्य प्रदेश के ये मजदूर रहने वाले हैं, प्रवासी मजदूर हैं। चिलचिलाती धूप में पैदल चलने को ये मजबूर हैं ये मजदूर। और देखिए, छोटा सा बॉटल ये लेके पानी का चल रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा धूप है। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं? मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, छतरपुर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ का पसीड़ा से। क्या काम करते थे आप? यही मकान का काम करते हैं, बंद हो गया है 40 दिन। हाँ हाँ हाँ, 40 दिन से अब मरी हो गई। हम तो परेशान हो रहे हैं, कहाँ है पैसे? पैसे होते तो हम तो यहाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी यहाँ निजामुद्दीन को बोले हैं कि गाड़ी चलने लगी तो वहाँ तक जा रहे हैं, जैसे बनेगा। हाँ, नहीं मिलेगी फिर पैदल जाएंगे, फिर पैदल ही चले जाएंगे धीरे धीरे। तो अब दूर है तो अब क्या करें? 40 दिन काट लिया तो 4 दिन और काट लेंगे, 10 दिन काट लेंगे, वो क्या करें? कुछ नहीं है साहब, हमारे लिए तो हम भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे, घाम धूप में मर रहे। हाँ, कोई हमें सो साधन ही नहीं है। ये बताओ तो हम जा रहे अपने गांव के बस क्या करें, वो बताए तो पड़े पड़े अन अंधा से ना बहे काटने दे रहे ना कहीं ना ना मजबूरी ना धतु। हम तो हम यही चुनाई परस्ता का काम करते हैं तो वो भी बंद हो गया है। कोई खाने पीने का हमारा ठेकेदार भी नहीं पैसा ना दे, बस वो भी भाग गया ना, कोई निकल पा रहा ना कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे सरकार ने आपकी कोई मदद की कि नहीं? कुछ भी नहीं किया साहब, भूखों मर रहे हैं, क्या करें? राशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कोई राशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो ये देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर के ये चारों लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं। ये लोग दिल्ली में काम करते हैं और इस वक्त इनकी हालत बुरी हो चुकी है। घनी दोपहरी में और चिलचिलाती धूप में पैदल चलने को ये मजबूर हैं। खाने पीने के लिए इनके पास राशन नहीं है, सरकार यहाँ पर इनकी कोई मदद नहीं कर रही है। इनको बस एक छोटी सी आस है कि बस किसी न किसी तरीके से इनको अपने घर तक पहुँचा दिया जाए। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि हम उम्मीद करेंगे कि वहाँ पर इनकी कोई मदद कर दे। इनका ये भी कहना है कि अगर कोई ट्रेन नहीं मिलती है तो ये अपने घर की ओर पैदल चल देंगे। ब्यूरो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।